हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिएटिव होम्स आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं 220 मीटर ईस्ट फेसिंग का इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि काफ़ी लग्जूरियस है विच इज़ कॉल्ड अल्ट्रा लग्जूरियस फ्लोर इसके मैं ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ये डेली एन के काफ़ी टॉप मोस्ट बिल्डर के द्वारा बनाई गई है अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ डाइनिंग और ड्राॅइंग एरिया की तो इसमें एक छोटा सा पार्टीशन दिया है विद स्टोरेज एरिया यहाँ आपका मंदिर आ जाता है मंदिर के नीचे आपके ड्रॉर्स एंड स्टोरेज एरिया आ जाता है एंड अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा आपका डाइनिंग एरिया डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको देखने को मिलती है अब हम सेकेंडरी मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ प्रॉपर सामने आपको किचन देखने को मिलता है किचन में भी छोटा सा एक पार्टीशन है यहाँ आपका डाइनिंग एरिया ये वॉल्स है सारे के वॉल्स पे आपको पीओपी मोल्डिंग्स बना के मिलते हैं जो कि एक फ्रेंच लुक आता है ये आपके ड्राइंग एरिया में विंडोज़ आ जाते हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इस पार्टीशन में जो आपको स्टोरेज दे रखा है वो दिखा दिया अब हम आगे चलते हैं सामने आपको देखने को मिलता है ये प्रॉपर टी पैनल जो कि आपको मार्बल फिनिशिंग में मिलता है उसके साथ आपको काफ़ी डेप्थ वाले ड्रॉर्स देखने को मिल जाते हैं ये आपका प्रॉपर व्यू आ गया अब हम चलते हैं किचन की तरफ यहाँ आपको 100% वास्तु के हिसाब से बनी हुई किचन मिल जाती है 100% इनोटेक के साथ सॉफ़्ट क्लोजर्स यहाँ आपको पेंट्री देखने को मिलती है गाइस ये आपको पेंट्री देखने को मिलती है उसके साथ ही आपको ये ड्रॉर्स स्टोरेज सब देखने को मिल जाती है और इसका जो पार्टीशन हो रखे हैं वो हंड्रेड परसेंट मार्बल पार्टीशन है जो आगे चल के आपको किसी भी तरीके की वुडन प्रॉब्लम्स नहीं देगा यहाँ आपको कार्बोनेट डब्लू सीट पी शीट लगा के देता है बिल्डर जो पानी से कर एलिका की किचन मिलती है आपको एलिका का ही फोर स्टोव का हॉब मिलता है जो बिल्डर आपको एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है ये साइड आपको विंडो मिल जाता है किचन का मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूं यह आपको प्रीमियम स्टोरेज मिलती है हंड्रेड परसेंट किचन की अगर मैं ओवरऑल साइज की बात करूं बहुत ही अच्छा निकाला हुआ है अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि 100 परसेंट पीयू पेंट के साथ बनाया हुआ है सीलिंग काफी सुंदर डिजाइन की हुई है पल्लों में कुछ नया डिज़ाइन किया हुआ है कहीं पर भी किसी भी तरीके कोई माइका यूज़ नहीं है सारा पी यू पॉलिश के साथ काम हो रखा है पेंट के साथ या आपका टी वी पैनल हो जाता है विथ स्टोरेज ये ऊपर लॉफ्ट एरिया आ जाता है थ्री साइड थ्री डोर्स पल्ले उस साइड थ्री डोर्स इस साइड तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिलता है आपको हंड्रेड आपको सीलिंग हाइट का वॉल क्विल्टिंग मिल जाता है लो साइड लो बेड्स मिलते हैं आपकी फिटिंग्स अभी इंस्टॉल होनी बाकी है ये सारा का सारा जेगवा सीरीज ही इंस्टॉल होगा अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ यह आपको सेकेंड बेडरूम देखने को मिलता है दोस्तों हर रूम की थीम अलग है यहाँ ये ब्राउन और स्किन शेड में आया हुआ है बेड वही सेम लो बेडिंग के साथ आपको टीवी पैनल देखने को मिलता है उसके सामने ही ड्रेसिंग टेबल और सीलिंग हाइट तक आपको क्विल्टिंग देखने को मिलती है ब्राउन कलर कुशन वॉल क्विल्टिंग यहाँ आपको वॉशरूम के अंदर ही क्लोजेट मिलता है ये ऑटोमेटिक लाइटिंग के साथ है सारा प्रोफाइल लगी हुई है अगर मैं ओवरऑल वॉशरूम की साइज़ की बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट साइज़ वॉशरूम का निकाला हुआ है दोस्तों वैनिटी के साथ कलर थीम कंट्रास्ट भी आपको बेड के बेडरूम के हिसाब से ही दिया हुआ है महाराजा स्टाइल बेड बना के दिया है दोस्तों बिल्डर ने अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम की तरफ ये ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन है घर की लोकेशन आप देख के समझ जाएंगे कितनी सुपर बेस्ट लोकेशन है स्वर्ण जयंती पार्क के बिल्कुल क्लोज है और यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और आपका सर्विस पार्क आ जाता है जहाँ पे आप डेली वॉक के लिए जा सकते हैं ये फ्लोर है ईस्ट फेसिंग सन फेसिंग के का ये थर्ड रूम आ जाता है ये भी सीलिंग हाइट तक आपको वॉल क्वेल्टिंग करके देता है बिल्डर कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिया है गोल्डन और ब्लैक कलर ये इसमें आपको क्लॉज मिलता है ग्रे और गोल्डन कलर के कलर कंट्रास्ट के साथ ये भी सारा पीयू पॉलिश के साथ काम हुआ है ये वॉशरूम के साथ अटैचड है तो दोस्तों कुल मिला अगर मैं बात करूँ तो ये फ़ोर बेडरूम थ्री वॉशरूम के साथ बना हुआ है ये इसका फोर्थ बेडरूम आ जाता है ये भी काफ़ी ग्रैंड साइज़ का बेड है दे रखा है इसमें बेडरूम काफ़ी ग्रैंड साइज़ का है ये लूवर्स के साथ आपको टीवी पैनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है इसी के साथ में आपको ग्लास स्लाइडर आ जाता है ढाई फीट की गहराई के साथ अब हम चलते हैं इसके बालकनी की तरफ सो फ्रेंड्स अगर मैं बालकनी की बात करूं तो काफ़ी एक बहुत बड़ी साइज़ की बालकनी देखने को मिलती है आपको सो so फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं विजिट के लिए और अगर बहुत अच्छा सुंदर सा एक घर प्लान कर रहे हैं गाइस तो इंदिरापुरम इज़ दी बेस्ट लोकेशन फॉर नाउ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाइज कैसे भी थैंक यू सो मच बाय